नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा ब्रेस्ट पोषण आकलन के आवश्यक तत्व के रूप में, यानी कि जो हमारा ब्रेस्ट पोषण है जिसे हम फीडबैक कहते हैं, वो फीडबैक हमारे लिए हमारे आकलन में एक सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है। हम कहते हैं कि हमारे अधिगम स्तर को सुधारने के लिए हमें या हमारे आकलन की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमारे ब्रेस्ट पोषण का एक आकलन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहते हैं शिक्षण प्रक्रिया में जब तक हम फीडबैक ना दें किसी चीज के बारे में, तो वो प्रक्रिया हमारी अपूर्ण कहलाती है। हम ये कहें कि हमें एक तरीके से प्रोत्साहन के लिए भी हमारे ब्रेस्ट पोषण महत्वपूर्ण है। हम ये कहें कि नवीन ज्ञान अर्जित करने के लिए भी ब्रेस्ट पोषण महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ब्रेस्ट पोषण दोनों तरीके के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर हम नकारात्मक के लिए देखें तो नकारात्मक के द्वारा हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं, और सकारात्मक का पक्ष देखें हम तो सकारात्मक में जब हमें सकारात्मक ब्रेस्ट पोषण प्रदान किया जाता है तो वो ब्रेस्ट पोषण हमारे लिए हमारे उत्साह वर्जन करते हैं, और हम एक तरीके से कहें कि हम उस चीज को और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो ब्रेस्ट पोषण जब हमारे अधिगम स्तर का अधिगम के आधार पर हमें हमारे ब्रेस्ट पोषण प्रदान होते हैं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये हमारी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए होता है। पाठ्यक्रम हमारी शिक्षण व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और उस शिक्षण व्यवस्था को किस तरीके की बनाई है उसके लिए भी हमें ब्रेस्ट पोषण दिया जाता है। तो कहते हैं तो हम ये मानेंगे कि इसके लिए हमारे लिए दो अवधारणाएं हैं। कहते हैं कि जो हमारा ब्रेस्ट पोषण है वो ब्रेस्ट पोषण और आकलन हमारे दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस तरीके से हम ये कहें कि तर्क जो होता है हमारा, तर्क और हमारे जो सेम होते हैं हमारे, उसी तरीके से हमारा ब्रेस्ट पोषण और हमारा आकलन दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन दोनों में एक घनिष्ठ संबंध होता है। ये अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहला जो हम कहेंगे, सबसे पहला है हमारा आकलन के आधार पर ब्रेस्ट पोषण, यानी कि हम सबसे पहला ब्रेस्ट पोषण किसके आधार पर करते हैं, आकलन किसके आधार पर, अधिगम स्थिति के आधार पर, यानी कि बच्चे का अधिगम स्तर क्या है उसके आधार पर हम आकलन करते हैं। अधिगम स्तर में हम देखें तो हम दोनों पक्षों को देखते हैं, जो निर्बल होता है उसको भी और जो शक्तिशाली होता है उसको भी। तो निर्बल से हम किससे, निर्बल को हम क्या कहेंगे, कमजोर स्टूडेंट, और शक्तिशाली जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि अधिगम क्षमता हमने देखी है, अगर बच्चे कमजोर है बच्चा तो उसका अधिगम स्तर कैसा होगा, सीखने की प्रवृत्ति स्लो होगी। तो इसमें वही चीज बताई गई है कि ये ब्रेस्ट पोषण हमारे दोनों के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जहाँ कमजोर बच्चा, हम कमजोर बच्चे के लिए हम ब्रेस्ट पोषण दे रहे हैं कि बच्चा सही नहीं कर रहा, बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, बच्चा याद नहीं कर रहा, तो हम जिस चीज के लिए फिर क्या करते हैं, उस बच्चे को उसके उसका समाधान बताते हैं, उसका उपचार बताते हैं। तो ये ब्रेस्ट पोषण, क्योंकि ब्रेस्ट पोषण नहीं होता तो हम उस बच्चे की कमी का पता नहीं चलता। इसीलिए आकलन में हमें जहाँ कमजोर बच्चे के लिए भी हमने ब्रेस्ट पोषण दिया, और इंटेलिजेंट बच्चे को जब हमने ब्रेस्ट पोषण दिया तो उस बच्चे को क्या हुआ, उत्साह मिला, और वो ये चाहने लगा कि मैं और ज्यादा इसका अच्छे से काम करूं या अच्छा ज्ञान प्राप्त करूं। तो आकलन के आधार पर ब्रेस्ट पोषण का महत्व, यानी कि ये एक हमारे आवश्यक तत्व के रूप में, कहते हैं ना कि जिस तरह से भोजन में सारे तत्व जब तक मौजूद ना हो तो हमारे लिए वो पौष्टिक नहीं होता, उसी तरह से कहा जाता है कि ब्रेस्ट पोषण जो हमारे आकलन में एक महत्वपूर्ण तत्व है, अगर हमारी उसकी कमी रह जाती है तो जिस तरह से भोजन से एक तत्व हट जाता है और हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां पैदा करता है, उसी तरीके से अगर हमारे ब्रेस्ट पोषण नाम के तत्व को हम हमारे ब्रेस्ट पोषण आकलन में हमारे पाठ्यक्रम के हिस्से से अगर हम हटा देते हैं तो वो ब्रेस्ट पोषण कहीं ना कहीं
होता है, हमारे लिए एक बीमारी पैदा होती है, वो बीमारी में हमारी शिक्षण प्रक्रिया में हमें हमारी कमी को दर्शाता है, इसीलिए ये हमारे एक आवश्यक तत्व के रूप में है। सेकंड है हमारी ब्रेस्ट पोषण की सफलता एवं आकलन। हमने देखा है कि अधिगम के जो छात्र का अधिगम स्तर होता है उसको सुधारने के लिए क्या करते हैं शिक्षक, ब्रेस्ट पोषण देते हैं। उनकी सफलता उस पर निर्धारित होती है, किस पर, ब्रेस्ट पोषण पर। अगर हम उनके अधिगम स्तर को सुधारेंगे तो उनकी प्रक्रिया सफल होगी, और अगर हम अधिगम स्तर में सुधार नहीं कर पाते हैं तो जो उनकी ब्रेस्ट पोषण की प्रक्रिया है वो प्रभावी रूप से संपन्न नहीं होगी। अतः हम क्या करते हैं, उसका जो आकलन करते हैं विद्यार्थी का, वो हम उनके उसके आकलन के माध्यम से हम उसके ब्रेस्ट पोषण जो उसकी सफलता प्राप्त करते हैं उसकी सफलता के आधार पर देते हैं कि विद्यार्थी किस तरह से सफल है। तो ये आकलन की सफलता होती है, ब्रेस्ट पोषण की सफलता है कि बच्चे का किस तरह से वो आकलन करता है। फिर है हमारा इसमें नेक्स्ट बिंदु आकलन में शिक्षक का ब्रेस्ट पोषण। हमने देखा है कि जो शिक्षक जब पढ़ाते हैं, क्योंकि शिक्षा तो शिक्षक भी देते हैं, शिक्षार्थी ग्रहण करते हैं तो शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, तो अगर हम शिक्षक को जब तक ब्रेस्ट पोषण नहीं देंगे तो शिक्षक अपने कार्य में और अच्छा करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बोला कि ब्रेस्ट पोषण, अगर हम सकारात्मक तौर पर हमें ब्रेस्ट पोषण मिलता है तो हमारे कार्य में हमें उत्सुकता प्रदान करती है कि हम किस तरह से और अच्छा करें। तो यहाँ भी शिक्षक को अगर हम ब्रेस्ट पोषण देंगे तो शिक्षक हमें और अच्छा, कहते हैं ना शिक्षक और अच्छा कार्य करेंगे, तो इसीलिए शिक्षक को भी ब्रेस्ट पोषण देना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें क्यों किया जाता है, फर्स्ट है इसमें छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार के लिए। पहला पॉइंट है इसका छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार के लिए कि शिक्षक क्या करते हैं, उनको ब्रेस्ट पोषण क्यों देते हैं, वो चाहते हैं कि जो विद्यार्थी जिनका हम अधिगम करवा रहे हैं उनके अधिगम स्तर में सुधार हो, उनको अच्छा से अच्छा और ज्यादा उनके उसके अकॉर्डिंग उनको ज्ञान प्रदान हो। तो अधिगम स्तर को सुधारने के लिए शिक्षक को क्या दिया जाता है, ब्रेस्ट पोषण, यानी कि अधिगम जो वो सिखाते हैं उनकी सिखाने की प्रक्रिया में और ज्यादा सुधार करने के लिए शिक्षक को ब्रेस्ट पोषण दिया जाता है। वहां उन्हें उनकी कमियों के बारे में भी बताया जाता है और उनकी अच्छाइयों के बारे में भी उन्हें बताया जाता है। इससे शिक्षक क्या करते हैं कि जो वो अधिगम क्रिया, जो अधिगम प्रक्रिया संपन्न करवा रहे हैं उस प्रक्रिया में वो और अच्छे से सुधार करते हैं। सेकंड है अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षक अपने लिए उनका ब्रेस्ट पोषण उनकी सामग्री होती है कि वो किस तरीके की सामग्री का प्रयोग ले रहे हैं, क्या वो उन सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं जिनका कि वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, अर्थात उनके ज्ञान से संबंधित उनको उन्होंने वो सामग्री काम में ली है या नहीं ली है, और ली है तो उनकी सामग्री कहाँ तक उचित है और उनका प्रयोग कहाँ तक उस अधिगम के लिए उचित है। इन सब का ब्रेस्ट पोषण देने के लिए हम उन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो सामग्री, कहते हैं ना कि सामग्री, जो शिक्षण के अंदर हम जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं वो शिक्षक की एक सहायक सामग्रियां होती है, उन शिक्षण सामग्रियों के बिना शिक्षक अधूरा होता है। तो शिक्षक जो शिक्षण प्रक्रिया करवा रहा है वो तो उनकी सामग्री पर डिपेंड करता है, तो इनकी सामग्री जितनी अच्छी सामग्री होगी, जितनी प्रभावी सामग्री होगी उसके अकॉर्डिंग उनके शिक्षण को, उनके शिक्षक को ब्रेस्ट पोषण मिलेगा। इसमें तीसरा पॉइंट है हमारा तकनीकी का प्रयोग। शिक्षक जिन जिन तकनीकियों का प्रयोग करता है, जिन जिन तकनीकियों के माध्यम से विद्यार्थी को ज्ञान देता है, उन तकनीकों का ब्रेस्ट पोषण दिया जाता है। हमने देखा है कि छोटे बच्चों को जहां कविता कहानी के माध्यम से जो टेक्निक टीचर काम में लेते हैं वो उनके माध्यम से पढ़ाते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके लिए हम जो नवीन, जो हमारी परिस्थिति के अकॉर्डिंग या हमारे उस ज्ञान के अकॉर्डिंग जो टेक्निक काम में लेते हैं शिक्षक उन तकनीकों का प्रयोग करता है, और उन तकनीकियों से उनका जो रिजल्ट मिलता है उसका, उससे उनको फीडबैक मिलता है कि क्या उन्होंने जो तकनीकी बच्चों को पढ़ाने के लिए काम में ली वो तकनीकी उनके लिए सही थी या नहीं। जिन शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्तर, यानी कि जिस विधि का वो प्रयोग कर रहे हैं
शिक्षार्थी की बौद्धिक स्तर के अनुसार है या नहीं, इसका फीडबैक भी हमें मिलता है। और यह हमें कौन, शिक्षक को मिलता है कि शिक्षक ने क्या उन तकनीकों का सही प्रयोग किया है और वो तकनीकी कितनी प्रभावी है शिक्षक के लिए। फिर है हमारा इसमें शिक्षण विधियों का प्रयोग। हम जहाँ टेक्निक काम में लेते हैं, यहाँ हम विधियों का प्रयोग करते हैं, उन तकनीकियों के अनुकरण के माध्यम से हम उन सब चीजों का इन विधि में प्रयोग करते हैं। हम विधि में देखें तो बच्चों को हम देखते हैं कि कोई हम कई बार बच्चों के लिए जो कार्य करवाते हैं, जो विधि हम अपनाते हैं, बच्चों को पढ़ाने की जो मेथड होता है कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं। साहित्य है तो हम किसके द्वारा पढ़ाएंगे, हिंदी साहित्य है, किसी भाषा, कविता, इसके माध्यम से पढ़ाएंगे। अगर हमारी SST है तो हम देखते हैं कि उसके लिए हमें व्याख्यान दिया जाता है, लेक्चर दिया जाता है। तो ये विभिन्न जो विधियां हैं इनका हम इसमें प्रयोग करते हैं और इन विधियों के द्वारा कितना संपन्न हुआ है हमारा पूरा कार्य, ये भी हमें सिखाया जाता है। फिर है इसमें शिक्षण सूत्र, यानी कि कहा जाता है कि शिक्षक जो होते हैं वो अपने जो पढ़ाते हैं उसके अंदर वो शिक्षण सूत्रों का समावेश करते हैं। हमारा शिक्षण सूत्र कौन सा है, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। अर्थात हमने देखा है कि शिक्षक हमारी हर समस्या को सरल बनाते हैं, तो वही चीज यहाँ पर है कि क्या वो जो शिक्षण सूत्र बनाया है उस शिक्षण सूत्र का शिक्षक कितना प्रयोग कर रहा है, क्या वास्तव में वो बच्चों के लिए वो सरल बनके और कठिनता की ओर जा रहे हैं। अर्थात जिस चीज को बच्चा समझना चाहे, शिक्षक का ये दायित्व होता है कि बच्चों को ना घबराएं, ना डराएं, ना कठिनता बताएं, हमें बच्चों को हर चीज के लिए एक आसान रास्ता या हमें हर चीज आसानी बतानी चाहिए। तो वही यहाँ पर उनका जो फीडबैक होता है वो फीडबैक उनके शिक्षण सूत्र के आधार पर होता है। फिर है हमारा शिक्षण सिद्धांत, यानी कि हमारा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत, हमने देखे थे पहले हमारे क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रयोगात्मक का सिद्धांत, तो यहाँ पर वही चीज अपनाई है कि शिक्षक को हमेशा अपना जो शिक्षण सिद्धांत है क्रियाशीलता का कार्य करवाते रहना चाहिए। इसमें उस फीडबैक को देखा जाता है कि शिक्षक ने कितने कार्य बच्चों से करवाए, क्या बच्चों में और शिक्षक में सहभागिता रही, छात्र छात्र में सहभागिता रही या नहीं, क्योंकि क्रियाशीलता का सिद्धांत हमेशा करके सीखने पर है। अगर शिक्षक स्वयं ही बच्चों को करवाएंगे और स्वयं ही करके दिखाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों की निरस्ता दिखाई देगी, अर्थात बच्चे उसमें उतनी रुचि नहीं लेंगे, और नहीं लेंगे तो उनका जो बच्चों का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा हमारा नकारात्मक आएगा। इसीलिए हमें बच्चों को क्रियाशील रखने के लिए बच्चों से कार्य करवाते रहना चाहिए। फिर आता है छात्रों को प्रश्न पोषण, जहाँ शिक्षक को प्रश्न पोषण दिया जाता है उसके बाद में छात्रों को भी प्रश्न पोषण दिया जाता है। तो इसमें फर्स्ट है हमारे अधिगम गतिविधियों का सृजन। क्यों देते हैं हम छात्रों को, क्योंकि वो जो अधिगम गतिविधियां है उसको सृजित करते हैं, नए नए रूप में नई नई गतिविधियां लेके आते हैं। तो कहता है अगर हम विद्यार्थी को उत्साहवर्धन नहीं करेंगे, जो नवीन विधियां हैं, जो नए तरीके से वो गतिविधियां संचालित करना चाहते हैं, वो उन विधियों का सृजन नहीं कर पाएंगे। तो नवीन गतिविधियों का सृजन हमें करना है, उस गतिविधि को हमें आगे बढ़ाना है, तो हमें कहीं ना कहीं हमें बच्चों को प्रश्न पोषण देते रहना चाहिए। फिर है प्रस्तुतिकरण, हम देखते हैं दो छात्रों को हम जब प्रस्तुतिकरण, छात्र को पाठ का प्रस्तुतिकरण के लिए कहते हैं तो दोनों छात्रों में विभिन्न विभिन्न अंतर होता है, और वो प्रश्न पोषण हो सकता है दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है कि एक स्टूडेंट के लिए सकारात्मक और एक के लिए नकारात्मक। तो ये प्रस्तुतिकरण जो होता है वो भी हमारा किस काम आता है, हमारा जो प्रस्तुतिकरण होता है वो हमारे प्रश्न पोषण में सहायक होता है। फिर है अपने साथियों का आकलन, हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, कई बार हम ये होता है कि प्रश्न पोषण के लिए हम विद्यार्थी का एक दूसरे विद्यार्थी से, यानी कि अपने ही सहपाठियों से हम उनका आकलन करवाते हैं कि बच्चा जो पढ़ा रहा है वो सही है या नहीं, तो ये भी हमारे प्रश्न पोषण का एक अहम हिस्सा होता है। फिर है हमारे कि जहाँ हमारे शिक्षक का, छात्र का, तो फिर हमारे अभिभावक का भी प्रश्न पोषण होता है, क्योंकि अभिभावक भी हमारे शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं, वो
शिक्षण प्रक्रिया को लेकर आते हैं कि हमारी कौन कौन सी शिक्षण प्रक्रिया है। पहला है छात्रों का अधिगम स्तर, यानी कि वो बच्चों के अधिगम स्तर के बारे में अपने जो शिक्षक है उनसे वार्तालाप करते हैं कि बच्चे हमारे या शिक्षक उनको बताते हैं कि आपके विद्यार्थी आपके बेटे का या आपके बच्चे का अधिगम स्तर कैसा है, अर्थात उनकी समझने की सीखने की क्षमता कितनी है। तो जहां आपस में मिलते हैं जो पेरेंट्स की जो मीटिंग होती है उसमें इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वहां चर्चा की जाती है। सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि छात्र के अधिगम स्तर पर हम जो उनकी अधिगम सीखने की जो उनकी स्थिति है उसके बारे में बातें होती है। फिर है हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम। चाहते हैं कि अभिभावक सारे ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बढ़ चढ़कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले, क्योंकि जो हम सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं वो हमारे विद्यार्थी का एक व्यक्ति चरित्र निर्माण करता है, क्योंकि इसके द्वारा बच्चे का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से उसे आगे बढ़ाना है, कहते हैं ना एक चौमुखी विकास होता है, जहाँ शिक्षा का ज्ञान ले रहे हैं उसके साथ ही वो अपना जो चौमुखी विकास बिना सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बिना संपन्न नहीं होती। फिर है हमारा गृह कार्य, यानी कि जो विद्यार्थी को गृह कार्य दिया जाता है उसके बारे में भी चर्चा होती है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो घर जाकर अपना कार्य नहीं करते। तो ये जो आपस में फीडबैक अभिभावक शिक्षक को देते हैं और शिक्षक किसको देते हैं, अभिभावक को, कि बच्चों का जो गृह कार्य है वो पूर्ण नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये सब हमारी फीडबैक के माध्यम से हमारे सामने आती है। सामाजिक व्यवहार, क्योंकि बच्चा जब घर में रहता है तो उसका एक सामाजिक व्यवहार सामने आता है, तो वो सामाजिक व्यवहार उसका कैसा है इसके बारे में चर्चा होती है, इसके बारे में उसको फीडबैक दिया जाता है। और लास्ट है त्रुटिपूर्ण विधियों में सुधार, यानी कि किन विधियों के द्वारा बच्चों को स्कूल में पढ़ाया गया है, अगर वो विधि त्रुटिपूर्ण है बच्चा घर पे दोहराता है तो उन त्रुटिपूर्ण विधियों का भी अभिभावक शिक्षक से चर्चा करते हैं कि उनका ये टेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि आपकी ये विधि सही नहीं है। तो ये थे हमारे आज के टेस्ट क्वेश्चन आकलन के आवश्यक तत्व, जो मैंने आपके 5 भागों में इनका विभाजन किया, आकलन के आधार पर, टेस्ट क्वेश्चन की सफलता के आधार पर, शिक्षक यानी आकलन में शिक्षक का टेस्ट क्वेश्चन, और फिर था छात्रों का टेस्ट क्वेश्चन, फिर था हमारा लास्ट अभिभावकों का टेस्ट क्वेश्चन। धन्यवाद।